आज का दंगल बदजुबान अपमान और सड़क से अदालत तक सियासी संग्राम पर। मोदी उपनाम वालों को चोर बताने वाले बयान पर राहुल गांधी को सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट से 2 साल की सजा मिली हुई है और उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई है। इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में अर्जी दी। राहुल गांधी ने सत्र न्यायालय से मांग की थी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। सूरत की सत्र अदालत ने अंतरिम रोक नहीं लगाई है। राहुल गांधी के सत्र न्यायालय से यह भी मांग थी कि उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया जाए। सत्र अदालत ने वो सजा भी अभी निलंबित नहीं की है। अदालत ने कहा है कि बिना शिकायतकर्ता का पक्ष सुने सजा के निलंबन पर फैसला जायज नहीं है, लिहाजा शिकायतकर्ता से 10 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है और 13 अप्रैल को अर्जी पर अगली सुनवाई की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी को उस मामले में 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। इस लिहाज से आज 3 में यानी कि 3 तारीख में राहुल को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। अब 13 में यानी 13 तारीख में राहुल गांधी को राहत का इंतजार है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी के लाभ लश्कर के साथ सूरत दौरे को लेकर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अदालत में जो अर्जी दायर की उसके लिए उनका दस्तखत ही काफी था। फिर भी राहुल गांधी ने अपने साथ 3 मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रियंका गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ सूरत जाने का फैसला किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का आज का सूरत दौरा राजनीतिक ड्रामा था? क्या मोदी उपनाम को चोर बताने वाले बयान पर राहुल गांधी को ओबीसी समुदाय से माफी मांग लेनी चाहिए? क्या अदाणी मुद्दे पर बोलने के कारण राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी उपनाम को बदनाम और ओबीसी का अपमान करके संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी अदालत की चौखट पर पहुंचे थे और इसी अदालती कार्रवाई के लिए राहुल जब बहन प्रियंका के साथ 3 मुख्यमंत्रियों, दर्जनों पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सूरत पहुंचे तो सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी सवाल उठाने लगी कि एक दस्तखत से होने वाली अदालती कार्रवाई के लिए राहुल गांधी ने पूरा कुनबा जुटाकर सूरत की सत्र अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। द वे यू हैव अब्यूज्ड द ओबीसी कम्युनिटी, आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है उस पर आप घी डालेंगे और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं, तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है। क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूं, जब बाबरी मस्जिद और तो सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? अरुण जेटली जी ने जब मानहानि का दावा किया था केजरीवाल जी पर तो सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? सूरत में कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्लान, दिल्ली से बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों को जमा किया गया था। महाराष्ट्र तक से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की चौकसी ऐसी थी कि अदालती परिसर के आसपास भी किसी को फटकने नहीं दिया गया। राहुल गांधी तय वक्त पर अदालत पहुंचे और चंद मिनटों में अदालत से खबर आ गई। सूरत की सत्र अदालत से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए। कोर्ट ने जो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे कर दिया है और उनका जो बेल है ग्रांट कर दिया है और जो गवर्नमेंट पिलर है उनको जो नोटिस निकालना होता है वो 13 अप्रैल का नोटिस निकाला है। अभी अगली जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को होगी। राहुल गांधी के गुनाह और सजा को लेकर की गई अपील पर अदालत में अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबानी सियासत खूब हुई। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस सिर्फ प्रथम परिवार के लिए ही सड़क पर क्यों उतरती है? बीजेपी ने सवाल उठाए कि पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को 1996 के कैश फॉर वोट केस में सजा हुई तो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी। कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में आईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई तो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष रह चुके अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई में सजा हुई तो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी।
लेकिन जब जब गांधी परिवार के खिलाफ आरोप लगते हैं, जांच होती है या कार्रवाई होती है, तो पूरी कांग्रेस को ढाल बना लिया जाता है। राहुल गांधी डरपोक है, जेल जाने से डरते हैं, इसलिए अगली बार जब ये अपनी तुलना सावरकर जी से करें तो इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राहुल गांधी को सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर बताने की कोशिश की थी। बीजेपी इसे ओबीसी का अपमान बता रही है और राहुल के खिलाफ 2019 में ही आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी किया गया था। मौसमी सिंह और संजय शर्मा के साथ गोपी घांगर, सूरत आज तक। 3 में तो ना, लेकिन 13 में क्या होगा, राहुल गांधी का सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। बीजेपी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है पलटवार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राशिद किदवई जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही सुजाता पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, बीजेपी की ओर से सीधा हमला किया जा रहा है। दो टूक पार्टी कह रही है कि इतना सियासी ड्रामा करने की क्या जरूरत है, जब याचना के लिए कोर्ट का रुख किया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से। बड़े लीडर हैं, एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, और उनके ऊपर एक गलत तरीके से केस लादा गया। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और पूरी पार्टी वहां पर मौजूद है, ये अच्छी बात है। और ये हमने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई किसी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया है, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये मैसेज देने के लिए किया है और ये बिल्कुल सही किया है। बीजेपी बताए कि तमाम मौकों पर बीजेपी के लीडर्स के ऊपर जब इस तरह की बात आती है तो ये लोग क्यों जाते हैं। खैर, अब तो बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत यह है, बीजेपी बहुत दिन से कह रही थी जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं, कोर्ट अमित शाह जी तक पूछ रहे थे। अब चले गए हैं तो अब दिक्कत है इनको। लेकिन खैर, आज देश को पूरी तरह से बधाई हो, एक और 14वां एक बंदरगाह जो है कराईकल का, वो कोटक महिंद्रा के फ्रॉड के आरोप के बावजूद अडानी को दे दिया गया है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया और ये सब मामूली चीजें हैं, ये तो चलती रहेंगी। मुझे लगता है जो असली मुद्दा है वो ये है कि जो अडानी ने देश के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जिसमें मोदी जी की और सरकार की भूमिका नजर आती है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही, उसकी जेपीसी क्यों नहीं हो रही। बीजेपी पूरी एक व्यापारी को बचाने के लिए पूरी सरकार एक अडानी के सामने क्यों खड़ी हुई है, मुद्दा ये है। ठीक है, आज मुद्दा ये नहीं है कौन गया कौन नहीं गया, माइनर चीजें हैं। आज मुद्दा ये है कि देश को जो लूट रहा है सरकार और बीजेपी, उसके साथ क्यों खड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन कम से कम सूरत में तो अलग ही मामले में गए थे ना। लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं, प्रेम शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए, आलोक जी ने जो सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, उनकी ओर से लिखा गया है, ये मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा, और अपनी फोटो ट्वीट की है हाथ हिलाते हुए। क्या होगा इस पर जवाब आपका, प्रेम शुक्ला जी? एक अहंकारी का मिथ्या प्रलाप है, एक अहंकारी जिसके अहंकार को पोषित करने में पूरी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, जिस पार्टी को लगता है कि इनका प्रथम परिवार जो है वो संविधान और विधान के सबसे ऊपर है, उसको लगता है कि इनको तो ये था ना कि 1978 में जब संजय गांधी पर मुकदमा बना, श्रीमती इंदिरा गांधी पर मुकदमा बना, तब तो विमान अपहरण कर लेते थे। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि विमान अपहरण कर लें, तो नेशनल हेराल्ड का केस हो, तब ये जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ईडी ऑफिस पे, सीबीआई ऑफिस पे, अब कोर्ट का मामला है। एक आदमी अहंकार में झूठ बोलकर पूरे पिछड़े जातियों का अपमान करता है, उसको कोर्ट अपराधी कहती है। उस अपराधी को आप निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोर्ट पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं, कोर्ट बिल्कुल दबाव में नहीं आएगा ऐसी चीजों पर। विधान और संविधान से ये देश चलेगा, ये अहंकार से और मिथ्या प्रलाप से देश नहीं चलेगा। किस बात के लिए उनको दंड दिया गया था? दंड इस बात के लिए दिया गया था कि पिछड़ी जातियों के लिए जिस तरह से अभद्रता उन्होंने की, जिस तरह से सारे मोदी उपनाम के लोगों को चोर कहा, उसके लिए जो दंड दिया है अदालत ने, उसमें जमानत लेने गए थे, तो जो जमानत तो वैसे भी मिल जाती भाई, उसके लिए 3-3 मुख्यमंत्री ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब पी चिदम्बरम गिरफ्तार होंगे तो दबाव नहीं होगा,
डीके शिवकुमार होंगे तो दबाव नहीं होगा, पीवी नरसिंह राव कन्विक्ट होंगे तो दबाव नहीं होगा, रशीद मसूद कन्विक्ट होंगे दबाव नहीं होगा, अजय लल्लू कन्विक्ट होंगे दबाव नहीं होगा, लेकिन आपने प्रथम परिवार को जो है जिसको ये समझते हैं संविधान से ऊपर है उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर दी? परिवार के लिए इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक अपराधी को अपराधी करार कैसे दे दिया? ठीक है, और सवाल ये भी है आलोक शर्मा जी, यहाँ पर सत्य की जिस लड़ाई का जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बयान तो सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं? इस बयान को लेकर बवाल था जिसके बाद उनको सजा सुनाई गई और उस मामले में राहत की उम्मीद लिए सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, तो यहां पर कौन सी सत्य की लड़ाई सामने आ गई? क्या चित्रा जी यही बयान था जो आपने? नहीं नहीं, क्या चित्रा जी जो आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए कौन सा बयान था? ऐसा क्यों है कि सारे आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, यही बयान था ना सर आलोक शर्मा जी, आप ही बता दीजिए क्या बोला था उन्होंने? हाँ, इसमें और जो आपने पहले सेंटेंस बोला उसमें जमीन और आसमान, सुनिए ना जरा, सुनिए जरा, इतना बीजेपी के लिए पक्ष मत रखिए, शांति से स्टेटमेंट को इतना ट्विस्ट मत दीजिए। अदालत ने वही अंतर मान लिया है आलोक शर्मा जी, अब मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी स्टेटमेंट आप पलट के दे देते हैं। अरे आलोक शर्मा जी एक सेकंड, अदालत चार दिन पहले एबीपी ने माफी मांगी, दो एक सेकंड आलोक शर्मा जी माफी मांगे, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बयान पर कायम हूँ आलोक शर्मा जी, सुनिए एक सेकंड सर, सुनिए, नहीं 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 सुनिए ना, आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था, दोष साबित हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जानबूझकर नहीं मैंने सवाल पूछा आलोक शर्मा जी, बिल्कुल गलत बात, आप कोई धमकी नहीं देंगे यहाँ पर, मुद्दे पर ही हूँ, एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, आजकल आपके कुछ बयानों को लेकर आपके नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि ये बिल्कुल नहीं, आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगाएंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मुझे तारीफ गलत बात है आलोक शर्मा जी, मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए, आलोक शर्मा जी रिपीट करवाइए, गलत बात है आलोक शर्मा जी, गलत बात है, रिपीट करवाइए अभी क्या स्टेटमेंट बोला आपने, राहुल किस रिपीट करवाइए आपने क्या बोला था, मोदी नाम वाले चोर होते हैं इस बयान को लेकर उनकी ओर से क्या कहा गया बोलिए, आप ही बोलिए, आपने जो स्टेटमेंट बोला उसको रिपीट कराइए, रिमाइंड कराइए अभी, आपके कहने से रिमाइंड कराइए, मेरे बयान से अदालत नहीं चल रही है, मेरे बयान से अदालत नहीं चल रही है, आपके नेता के बयान पर अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। मैं फिर कहूंगा एंकर महोदया बीजेपी की पैरवी करते छोड़ दी, वापस आते हैं मुद्दे पर, बात न्यायपालिका की आई है, मैं फिर कहूंगा या तो चलवा दो उसको, नहीं तो आप अपनी गलती मान के शांत रहो, वापस आते हैं, यहाँ पे धमकी देने से नहीं चलेगा आलोक शर्मा जी, ये बहुत गलत तरीका है आपका आलोक शर्मा जी, ये बहुत गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है आलोक शर्मा जी, आप धमकी दे रहे हैं मुझे लाइव चैनल पे बैठे हुए हैं और धमकी दे रहे हैं एंकर को, आलोक शर्मा जी ये गलत बात है, आप लोगों का मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेन मुद्दे पर आइए आलोक शर्मा जी, के सारे ओबीसी का अपमान हो गया बीजेपी आरोप लगा रही है आलोक शर्मा जी, फिर आपने ये बीजेपी आरोप लगा रही है छोड़िए वापस आते हैं, ये शुरू में नहीं चला, मैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा उसको, वापस आते हैं मुद्दे पर, अभी इन्होंने नेशनल हेराल्ड की बात की, लगभग 14 साल हो गए, 14 साल होते होते प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, मतलब इससे ज्यादा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है, 7 तारीख को लोकसभा में भाषण दिया जाता है अडानी के ऊपर, 16 तारीख को हाईकोर्ट से केस रिवाइव होता है, 1 डेट लगती है और न्यायपालिका का मजाक उड़ जाता है, न्यायपालिका पर भरोसा हमको नहीं, और देश के कानून मंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस एंटी नेशनल गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री को और कानून मंत्री को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए, अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हिंदुस्तान के खिलाफ एंटी नेशनल काम कर रहे हैं गैंग बनाकर, और आप सवाल हमसे पूछते हैं कि हमें विश्वास नहीं, हमें पूरा विश्वास है और ये कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी, मैंने कहा मुद्दा यह है कि मित्रकाल में अडानी को जो पूरा माल दिया गया है, अडानी के लिए जो तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं सारी चीजों को उल्लंघन करते हुए, हम पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, लोग कह रहे हैं अहंकारी हैं, अहंकारी तो मोदी जी हैं जो संसद में कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, ये याद है भूल गए आप लोग, हमें सोचा था मोदी जी के लिए अपने लिए स्टेटमेंट दिया होगा उन्होंने, लेकिन स्टेटमेंट अडानी के लिए था और अडानी ने सुपारी ले रखी है, मैं बता रहा हूं मोदी जी को बदनाम करने की सुपारी अडानी ने ले रखी है, अडानी ने मोदी जी को और हमारे देश को जितना बदनाम किया है उतना किसी ने नहीं किया है, लेकिन सवाल विपक्ष से पूछे जाएंगे, हम फिर पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है,
ड्रग्स का है, नोटबंदी का है, फ्रॉड का है, किसका है वो पैसा? आप क्यों नहीं बताते, उस पर क्यों नहीं जवाब देते? हिंदुस्तान की संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप पिछले पूरे सत्र से? हम केवल ये पूछना चाहते हैं, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? कोई जांच नहीं होगी क्योंकि वो अडानी है, उसको पूरी सरकार बचाएगी, मंत्री बचाएंगे, संसद बचाएगी, एक अडानी सब पर भारी। बीजेपी उत्तर दे इस बात का। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप उत्तर दे दीजिए। रशीद किदवई जी और सुजाता जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं एक अडानी सब पर भारी क्यों है? नहीं, मेरा बहुत इनसे बहुत बहुत विनम्रता से मेरा अत्यंत विनम्रता से सवाल है कि आज श्रीमान राहुल गांधी के बेल एप्लीकेशन में अडानी का जिक्र किया क्या? बेल एप्लीकेशन में ये लिखा था क्या कि अडानी का मैंने प्रश्न उठाया इसलिए मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, इसलिए बेल दे दीजिए? साहब, आप बेल एप्लीकेशन लेके याचना करने गए थे, तो याचना करने के लिए जब गए तो ऋण वाली मुद्रा में क्यों गए? ये हमारा सवाल है। आपके तीन मुख्यमंत्री जो है वो अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सेशन कोर्ट में गए थे। कितना झूठ बोलेंगे, कितना अहंकार पालेंगे? आप झूठ बोलते बोलते सच बोलना भूल गए हैं क्या? आप ये कहिए कि राहुल गांधी नाम का एक आदमी जो लोगों के लिए जाति सूचक गालियां देता है, अभद्र व्यक्ति है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, झूठ बोलकर माफी मांगने में जो पहले से अभ्यस्त है, सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके जिस आदमी ने झूठ बोला और नाक रगड़ के जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके माफी मांगी, ऐसे माफीवीर राहुल गांधी ने चूंकि एक जाति जो पिछड़ी जाति है उसके उपनाम को लेकर गालियां दी जिसको सही पाया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, और उसके आपराधिक अभ्यस्त होने के नाते उसको 2 वर्ष की सजा दी, उसमें बेल मांगने गए थे, वो बेल मांगने गए थे तो उसने अडानी का जिक्र किया क्या? अडानी का जिक्र नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी के अपराध में से उसको अपराध नहीं है इसलिए रिहा कर दिया जाए, ये याचना करने गए थे आप। ठीक है, ये है, झूठ क्यों बोल रहे हैं टेलीविजन में बैठ? आलोक शर्मा क्यों झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं जनता जानती है कि झूठों का सरदार राहुल गांधी है। आलोक शर्मा जी, चलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रेम शुक्ला भाई का, कम से कम अडानी का नाम तो लिया, बाकी सब तो नाम लेने से भी डरते हैं। मैं उत्तर देता हूं, जाति सूचक शब्द किसी को गाली नहीं दी आज तक, पर बैठकर एक प्रवक्ता झूठ बोल रहा है। मोदी कोई जाति नहीं है, पहली चीज। जिन तीन मोदियों के नाम लिए गए उसके अंदर एक, उसमें जो दो मेन फ्रॉड है जो देश छोड़कर भाग गए उसमें से एक बानिया है। अरे भाई सुनिए ना जरा, एक बानिया है और एक जैनी है, और जो याचिका करता है, अरे सुनिए अभी आप उपनाम नहीं है, इसमें नहीं बोला प्रेम भाई आपके, नहीं है ये नहीं, जो याचिका करता है जो कोर्ट में गया है, वो कोर्ट में जो गया, यही तो बकलाट है। राहुल गांधी जैसे एक्सपोज करते हैं फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना, ठीक है सर, किसी के बीच में नहीं बोला, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ जो याचिका करता भी है कोर्ट में, वो कोर्ट में जाने वाला भी बढ़िया है, अगर है तो नहीं उसके एफिडेविट को पढ़ लिया करें आप लोग। ये ओबीसी का अपमान नहीं है, आप लोग गलत चला रहे हैं। चित्रा जी को भी बताइए, ओबीसी भी मानव होते हैं, ओबीसी भी हिंदुस्तान होते हैं, ये हिंदुस्तान का अपमान है, ये मानवता का अपमान है, और ओबीसी हिंदुओं में होते हैं ये हिंदुत्व का भी अपमान है। ये चलाना चाहिए आप लोगों को, मुद्दे पर नहीं आएंगे। आलोक शर्मा, अडानी जो है, अडानी के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो अच्छी सलाह दे रहे हैं आप लाइव चैनल पे बैठ के कि पहले कल आपसे डिस्कस कर लूंगी, नहीं मेरे से मत पूछिएगा, लेकिन मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि कल से आज तक को ये चलाना चाहिए कि मानवता का अपमान हो गया है, चलानी चाहिए क्योंकि ओबीसी मानव होते हैं। टेलीविजन पर बैठकर आलोक शर्मा जी, चित्रा जी मुझे केवल बताइए ओबीसी मानव होते हैं कि नहीं होते, आप मुझे बता रहे हैं, चित्रा जी मुझे केवल बताइए ओबीसी मानव होते हैं कि नहीं होते आपकी लाइनों पर। आलोक जी, हम मेन टॉपिक पर रहते हैं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, ओबीसी मानव होते हैं कि नहीं होते, बीजेपी को जवाब, मानवता का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? मेरे चैनल या मुझ पे सवाल खड़े नहीं कीजिए रशीद किदवई जी, मैं चित्रा जी, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, अरे चित्रा जी मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, अब आलोक ओबीसी हिंदू होते हैं कि नहीं, यहाँ पर उस नाते हिंदुत्व का अपमान हुआ कि नहीं? रशीद किदवई जी सीधे आपके पास आते हुए, वो ओबीसी का अपमान करार दे रहे हैं और इधर राहुल गांधी बार बार अडानी का नाम देश के सामने रख रहे हैं, और तीन तीन मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत जाना, ये क्या बताता है, क्या है स्ट्रैटेजी इसके पीछे? इतना देखिए, ये पूरी विशुद्ध रूप से राजनीति है, तमाम राजनीतिक दल ये काम करते हैं, जब भी वो किसी तरीके के राजनीतिक संकट में आते हैं या किसी चीज को वो राजनीतिक रंग देना चाहते हैं तो वो उसमें ये सारी चीजें होती है। भाजपा ने भी अनेक समय पर ऐसा काम किया है, क्षेत्रीय दल भी ऐसे करते आ रहे हैं और कांग्रेस भी ऐसे करती आ रही है। इसको देखिए, उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय इसके कि उसमें वो दिखे
ये जब से मामला आया है राहुल गांधी का ये सूरत वाला मामला, भाजपा इसको कानूनी लड़ाई कह रही है। अगर कानूनी लड़ाई है तो भाजपा या भाजपा के प्रवक्ता क्यों उस पर तीखे हमले करते हैं? अगर तथाकथित रूप से पिछड़ों का अपमान हुआ था तो 2019 से भाजपा का जो पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ है वो खामोश क्यों बैठा रहा? क्या वो अदालत का इंतजार कर रहे थे? अगर राहुल गांधी ने कोई अपमान किया था तो तभी से करे थे, तीन साढ़े तीन चार साल के बाद में वो कहते हैं कि ये ओबीसी का अपमान है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तमाम चीजें ये राजनीति से प्रेरित चीजें हैं, इसको राजनीतिक दलों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, भाजपा उस पर राजनीति कर रही है। अगर वो एक व्यक्ति और एक एक, एक न्यायालय के बीच की लड़ाई है, उसमें भाजपा को क्यों, भाजपा इतना उत्साह दिखा रही है, कभी भाजपा हमले करती है, ये दो लोगों के बीच की बात है, उसमें भाजपा क्यों इतना दखल कर रही है राहुल गांधी मामले में? हाँ, अगर वो राजनीतिक मामला है तो बिल्कुल, जैसे कांग्रेस राजनीति कर रही है वैसे भाजपा को भी पूरा हक है तो उस पर राजनीति से बयान दे, फिर ये ना कहे कि वो न्यायालय और राहुल गांधी के बीच का मामला है। सर, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। सुजाता पांडे जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। सवाल तो बड़ा है ना, 2019 का ये मामला है, 2023 में हम ढोल बजा रहे हैं और बता रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो गया, जनता भरोसा करेगी क्या इस पर? मिश्रा जी, इस देश में न्यायालय में कब से समय सीमा निर्धारित होने लगी कि जिस समय अपराध होगा उसी समय उसमें उस कोर्ट में केस चलना चाहिए, उसी वक्त उस व्यक्ति को जज से कहना चाहिए कि अभी फैसला आ जाना चाहिए, जज को बिना सबूतों को बिना देखे हुए, क्योंकि वो अभी उसी वक्त तत्कालिक जजमेंट देना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास उदाहरण काफी पड़े हुए हैं, जयललिता से लेकर लालू प्रसाद तक के, जिसमें सालों का समय लगा लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई और भ्रष्टाचारी जेल के अंदर गए। लेकिन चित्रा जी, इसके पीछे जो राजनीति है उसको थोड़ा समझते हैं। ये बात तो सच है कि कांग्रेस इस पूरे निलंबन को, राहुल गांधी के सजा को कर्नाटका चुनाव में भुनाना चाहती थी, सहानुभूति वोट बटोरना चाहती थी, लेकिन अंततः वो फेल हो गया। वो फेल इसलिए हो गया चित्रा जी, क्योंकि मैं कर्नाटका से कल ही लौटी हूँ, वहां जाके देखा कि राहुल गांधी के लिए सहानुभूति की लहर तो छोड़िए एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं है। साथ ही साथ उनके जो निर्वाचन क्षेत्र वायनाड है, वहां पे लोगों की एक सभा भी नहीं दिखाई थी मुझे। अरे वो तो छोड़िए, जो विपक्ष जिसको लामबंद करने का प्रयास कर रहे थे, सिवाय मौखिक समर्थन के और ट्विटर पे 180 कैरेक्टर्स का ट्वीट लिखने के अलावा आपको क्या मिला? समर्थन में एक संगठन या कार्यकर्ता भी सड़क पे नहीं दिखा दिया। यहाँ तक कि राहुल गांधी के अपने जो जो संगठन है कांग्रेस के बीच भी ऐसी बातें हैं कि शायद कांग्रेस के भीतर ही कोई है जो उनको जेल भिजवाना चाहता हो। और लेकिन साथ में ये जरूर हो गया कि कांग्रेस की जो सामंतवादी प्रवृत्ति है, खुद को देश के कानून से ऊपर समझने की जो मानसिकता है, जो हाई हेडेडनेस है, जो अभी अभी आपके कार्यक्रम में भी उनके प्रवक्ता ने भी दिखाया, वो सामने देश के जरूर आ गया। अब उलट के कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था चित्रा जी। तो ये शक्ति प्रदर्शन था, तो ये तो राहुल गांधी बताएंगे, या फिर कांग्रेसियों का गांधी परिवार के प्रति भक्ति प्रदर्शन था, ये जनता बताएगी। लेकिन एक बात जरूर चित्रा जी, 30 सेकंड, जो राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत मैं जेल जाने से नहीं लगता, वो जनता नहीं पूछेगी कि आज क्यों डर लग रहा है, पूरा कुनबे के साथ क्यों पूछे? एक व्यक्ति, एक वकील ये पूरी प्रक्रिया कर सकता था। तो क्या ये न्यायालय पे और न्यायाधीशों पे, पूरी सिस्टम पे एक वो प्रभाव डालने की कोशिश नहीं लग रही आपको? ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके लिए भी हैं, लेकिन रशीद किदवई जी, उन्होंने जो बातें कही है उस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी। और अब तो बीजेपी भी कह रही है कि मैं डरता नहीं, डरो मत, इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए थे उधर सूरत में भी, देश के दूसरे भी जगहों पर, और जेल जाने से डरते हैं राहुल गांधी, वो वीर सावरकर का नाम नहीं लेंगे अपने मुंह से। चिंता देखिए, सुजाता जी का एक मत है, उस मत को वो मानती है। वो बहुत से राजनीतिक दल और राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग भी इसी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पहला और आखिरी केस नहीं है जब अरुण जेटली जी ने उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का दावा किया था 2015 में। तो हम सब ने चित्रा देखा था कि कितने भाजपा के सीनियर वरिष्ठ नेता जो थे वो गए थे। वो क्यों गए थे भाई? वो भी एक राजनीति का एक हिस्सा था। इसी तरीके से जो बाबरी डिमोलिशन के बाद में या कल्याण सिंह को सजा हुई, जितने तमाम मामले हैं, जयललिता जी का केस हुआ था, नेशनल हेराल्ड का केस हुआ, बहुत सी चीजें बताई जा सकती है। जब भी ऐसा कोई मामला आता है जो राजनीतिक दल के, जिसमें उसको वो भावनात्मक तौर से उसको जोड़ना चाहता है, इस तरह की चीजें की जाती है। इसमें व्यक्ति विशेष का या राहुल गांधी को हम कटघरे में खड़ा करें तो हमें वो एक ईमानदारी की बात नहीं होगी। और खासतौर से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बताता है, बात हो जाए, उसके बाद बचना चाहिए। एक बार रशीद जी की बात हो जाए।
नहीं, क्योंकि वो मेरे बात पे बोल रहे थे चित्रा जी। हाँ, मैं आप ही के पास आऊंगी, एक बार उनकी बात हो जाए, पूरी उनकी बात हो जाए। रशीद केदवई जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें जी। चित्रा, मैंने एक मैंने कहा देखिए, सब राजनीतिक दल ऐसे हथकंडे ऐसे अपनाते हैं, और ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये पहला और आखिरी मामला नहीं है। अगर हम इसका विश्लेषण इस तरीके से करें कि राहुल गांधी गलत है और बाकी सब लोग ने सही किया था, या वो हमें एक हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव में सारी चीजें देखनी चाहिए कि क्यों राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। और न्याय की जो बात होती है, सजा होने की बात, चित्रा एक और बात, उसके बाद कई बार लोगों को इंसाफ भी मिलता है। आप तो AR अंतुले का केस था, उसके 17 साल के बाद अंतुले बड़ी हो गए, वो 17 साल से राजनीति में हाशिए पे चले गए, वो 17 साल कौन वापस करेगा? ये हमारे एक सिस्टम के एक प्रश्न है जिसका हम आसानी से जवाब नहीं दे सकते। सुजाता पांडे जी, और सवाल तो पलटकर ये भी पूछा जाएगा ना, 23 तारीख को सदस्यता 23 तारीख को उनको करार दिया जाता है 2 साल की सजा का, और अगले ही दिन उनकी सदस्यता चली जाती है। तो अदालत के फैसलों में इतनी लेट लतीफी, देरी होती है, लेकिन यहां पर तो जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई, पूछा जाएगा ना कि मंशा आखिर क्या थी सरकार की। सुजाता जी, तो सवाल क्या है चित्रा जी, कभी आप कहते हैं कि इतना देर क्यों हुआ, कभी कहते हैं इतनी तात्कालिक कार्रवाई क्यों हुई, सवाल क्या है? क्योंकि कानून तो यही कहता है कि जिस दिन से सदस्यता, जिस दिन से आप अपराधी घोषित हुए, कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित किया, उसी वक्त से आपकी सदस्यता खत्म होती है, ये कानून है। और बोलिए मत चित्रा जी कि ये ऑर्डिनेंस किसको, तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आई थी, लेकिन राहुल गांधी ने नॉनसेंस कहते हुए वो ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ से फाड़ के कहा था नॉनसेंस। उस समय तो वो बहुत बड़ी अपनी PR एक इमेज बनाने की कोशिश करे, तो बात इमेज की ही, ठीक है, जब आप उस समय समर्थन कर रहे थे तो आज भाग क्यों रहे हैं? हाँ। आज जो उस समय सही था आज गलत कैसे है चित्रा जी? ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। और बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है कोर्ट के फैसले के बाद, तो राहुल गांधी इस पूरे मामले में अकेले नहीं है। लेकिन लाल लश्कर के साथ अगर ताकत दिखाने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर अगर बनावटी संकट जो है तान दिया जाए, तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसके साथ खड़ा रहे, और हमारा कांग्रेस का पूरा परिवार माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि एंटायर झूठ और एंटायर लूट की डिग्री वाले तो सरेआम घूम रहे हैं, एंटायर लूट और एंटायर झूठ उनके पास डिग्रियां हैं, वो पूरा लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं देश के साथ। जिस तरह से मोदी जी डरे हुए हैं आज संसद में माननीय राहुल गांधी जी के भाषण से कि अगली संसद में अगर आए माननीय राहुल गांधी जी भाषण देंगे और पूरा एक्सपोज कर देंगे, वैसे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और इनके प्रवक्ता आकर रोज बीजेपी को और एक्सपोज करते हैं, जिस तरह से अडानी के वकील बनकर बात करते हैं, तो रोज गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि सब वो सुपारी किसी ने ले ली, हमने तो कहा कि भाई मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं उसमें सबसे शीर्ष पर जो है वो अडानी है जिन्होंने सुपारी ले रखी है आपको बदनाम करने की, तो अडानी के ऊपर कार्रवाई कीजिए, आपने सुपारी ले अगर किसी ने ले रखी। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 2017 में जान का खतरा था, हमने तब भी कहा भाई देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपके ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए। 7-8 बार ऐसा सुनने को आया पिछले 10-12 साल में, क्या मतलब प्रधानमंत्री को सुपारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अडानी को बचाने के लिए? किस तरह से ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया जाए देश के, इस चीज का उपयोग करना पड़ रहा है। OBC कभी कुछ कभी कुछ, हम तो मैं कहूंगा कि OBC हिंदू भी होते हैं, हिंदुओं का अपमान हो गया, मानव भी होते हैं, मानवता का अपमान हो गया। अरे भाई ड्रामेबाजी बंद कीजिए, JPC बनाइए, JPC बनाकर संसद चलाइए, ये नई संसद में जाकर फोटो खिंचवा लेना, फोटो शूट करवा लेना, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आप जिस दिन कर्नाटक के अंदर हाईवे का उद्घाटन करके आते हैं, अगले दिन बारिश हो जाती है, हाईवे वाटरवे में तब्दील हो जाता है, उसकी जांच कराइए भाई, किसने इंजीनियर ने कितने पैसे खाए हैं, किस ठेकेदार ने खाए, इसकी जांच कराइए। लेकिन वो नहीं करेंगे। अडानी को कैसे बचाना है पूरी ताकत लगाए हूं। इनके एक प्रवक्ता कहते हैं कि साहब संसद से ज्यादा अच्छे तो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं भाई संसद वाले जाके बैठ जाएं अडानी के कार्यालय में और अडानी को संसद सौंप दें, संसद को अडानी चला लेगा। और ये मामला आप कहां कहां लेकर गए, आप सड़क पर लेकर गए, आप अडानी पर लेकर गए, आप इधर लेकर गए, उधर लेकर गए, मैं आता हूं। लेकिन सूरत वाले मामले में आप बोलने से क्यों बच रहे हैं आलोक शर्मा जी? मैं फिर कह रहा हूं सूरत वाला मामला बिल्कुल अलहदा है। मैंने तो शुरू में उन्होंने जो टिप्पणी की थी है उसमें उनको 2 साल की सजा मिली हुई है। चित्रा जी, सजा कैसे मिली, क्या मिली, उसके फ्लॉ क्या है, वो लीगल इशू है। हाँ। उसके लिए हम अपील में चले गए, बेल एक्सटेंड हो गई, आज नोटिस हो गए, 13 तारीख को सुनवाई हो जाएगी।
जो कानून की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। कानून की प्रक्रिया कब हुई और क्यों हुई? आपने कहा कुछ बीजेपी के एमएलए के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए, हार्दिक पटेल भी उसी राज्य में था, दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, देशद्रोह का भी था, वो कहां है आजकल? वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गया। वही राज्य था, वही न्यायपालिका थी, वही पुलिस थी, सब कुछ वही था। एक केस होता है कर्नाटक में, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सवाल पूछा जाता है, स्टेटमेंट नहीं है वो भी, उसके बाद वो न्यायालय में कहां चलता है? दूसरी जाति का व्यक्ति लगाता है, कहां लगाता है? ठीक है, सूरत में। हाँ। क्योंकि सूरत गुजरात में है। अरे अभी एक तो मामला 12 अप्रैल को बिहार में भी लगा हुआ है। दुनिया समझ रही है। अब मोदी नाम के जो लोग हर्ट हुए हैं, जिनको ज्यादा दुख हुआ है, उन लोगों ने लगाई है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर गलती होगी तो सजा मिलेगी, गलती नहीं होगी तो सजा नहीं मिलेगी, फिर जमानत काहे मिल गई? 2 साल की अधिकतम इसलिए दी गई। लेकिन सर, बार बार में वो बयान, अब जिस पर राहुल गांधी को सजा मिली है, बार बार उस बयान को मैं बोलकर सुना नहीं सकती या मैं खुद नहीं बोल सकती, जिस पर सजा सुनाई जा चुकी है कोर्ट की ओर से। लेकिन सारे मोदी तो फिर इसमें, तो जो मोदी उपनाम वाले लोग हैं उनको दुख पहुंचा है, वो राहुल गांधी को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। मोदी चोर, ऐसा नहीं कहा है। हाँ। चित्रा जी, क्या है? मैं नहीं, आप पूछा गया है, आप बोलिए ना, क्या है? मोदी भाग के गए हैं, इनके सबके पीछे मोदी क्यों लगा हुआ? मोदी क्यों लगा हुआ है भाई, ये पूछ रहे हैं हम तो पूछ रहे हैं नीरव मोदी के सारे LOI तो किस तरह से साइन हुए, और नीरव मोदी की कौन सी हीरोइन ब्रांड एम्बेसडर थी? सारे मोदी का फिर यहाँ पर सारे मोदी शब्द जुड़ता है ना यहाँ पर? नहीं, सारे मोदी नहीं है शब्द उसमें। ये कहा गया है कि इन सब जो चोर भागे हैं, इनके सबके पीछे मोदी क्यों है, सवाल ये है, और इस सवाल पूछा गया। सर मेरे पास, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लोग चोर होते हैं ऐसा, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ आलोक जी, क्योंकि एक न्यायालय की ओर से इस पूरे मामले में एक बड़े नेता को सजा सुनाई जा चुकी है। मेरे हाथ में पूरा स्टेटमेंट है सर, और आप जो बातें कह रहे हैं आलोक जी, उससे ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है राहुल गांधी ने जो किया है, और चूंकि इसी वजह से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, अभी चूंकि सजा हो गई है तो मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, चूंकि न्यायालय का मामला है। लेकिन आप बार बार लेकिन बार बार बीजेपी ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है, अब वो चुनावी पार्टी है तो करेगी ही। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी बीजेपी क्यों नहीं बोलेगी? बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा, बीजेपी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पाकिस्तान बोलेगा। बीजेपी ने चक्रव्यूह में रचाकर पूरा गेम प्लान किया है, तो बीजेपी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? क्या चक्रव्यूह रच रहा है बीजेपी? नहीं तो किया है सारा ये। हाँ। वो एमएलए कौन सा? अरे मैं कह रहा हूँ, वो एमएलए जो है वो कांग्रेस का तो है नहीं, जो कोर्ट गया। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एमएलए बीजेपी का ही तो है ना। बिल्कुल, तो बीजेपी का चक्रव्यूह है। हाँ जी चित्रा, शायद पिछले जज ने उनकी नहीं सुनी होगी, राहुल गांधी के वो हाई कोर्ट चले गए कि रोक दो, अभी रोक दो। जी चित्रा जी, डरते हैं ये लोग, सच से डरते हैं। जी चित्रा जी, मैं शुरू करूं बात? बोलिए बोलिए। आलोक जी की बात खत्म हो गई? खत्म हो गई, बोलिए जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए, अब श्रीमान राहुल गांधी को क्या किसी भी उपनाम को गाली देने का अधिकार मिल सकता है? चोर कहने का अधिकार मिल सकता है? और अगर वो चोर कह दें तो जो कोई उससे हर्ट हो उसको लीगल रिकोर्स लेने का अधिकार है कि नहीं है? उसको विधि सम्मत कार्रवाई का संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? और जब उसे संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की, मजिस्ट्रेट को उसकी सुनवाई करने का अधिकार है कि नहीं है? जब मजिस्ट्रेट ने उसको दंड दे दिया, तो दंड देने के बाद आप यहां वहां दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं भाई? आप उस दंड के मामले में बेल लेने गए, यही अंततः आपने कहा कि हम लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, तो लीगल प्रोसेस में 3 मुख्यमंत्री क्यों गए? इसका मतलब ड्रामा आप कर रहे हैं, कांग्रेस ड्रामा करती है कि नेशनल हेराल्ड में पूछताछ हो तो ड्रामा, आपसे ईडी बुलाए तो ड्रामा, सीबीआई बुलाए तो ड्रामा, कोर्ट दंड दे तो ड्रामा, इन सारे ड्रामों को भली भांति जो है देश की जनता जानती है। आप पीवी नरसिंह राव कन्विक्ट हो जाएंगे, चुप रहेंगे? रशीद मसूद कन्विक्ट हो जाएंगे, चुप रहेंगे? अजय लल्लू कन्विक्ट हो जाएंगे, चुप रहेंगे? पी चिदम्बरम जेल जाएंगे, चुप रहेंगे? डीके शिव कुमार जेल जाएंगे, चुप रहेंगे? लेकिन पहले परिवार को कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई कि पहले जगमोहन लाल सिन्हा ने इसी तरह से जब सुनाया था फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो जगमोहन लाल सिन्हा के परिवार को जो है खतरा कर दिया था कांग्रेसियों ने। और मैंने बताया किस तरह से 78 में विमान अपहरण कांग्रेसियों ने कर लिया था कि जो मुकदमे दायर हुए हैं गांधी परिवार पे, उन मुकदमों को वापस ले लो। तो गांधी परिवार इस तरह से संविधान से ऊपर जो स्वयं को समझता है, उसकी इस समझ को सुधारने की आवश्यकता है। वो इस समझ को नहीं सुधारेंगे तो बारंबार श्रीमान राहुल गांधी ऐसे ही अपराध करेंगे
और ऐसे ही अपराधों में विधि सम्मत दंड को प्राप्त करेंगे। एक बात और जो श्रीमान रशीद किदवई बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है भाई साहब, श्रीमान नरेंद्र मोदी को बहुत सारा जो है प्रयास किया गया फिक्स करने का, एसआईटी जांच थी अकेले गए थे वो, श्रीमान अमित शाह को इशरत जहां के मामले में फंसाया गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, राम जन्मभूमि मामले में लालकृष्ण आडवाणी जी अदालत गए थे, पार्टी ने कोई आह्वान नहीं किया था मुख्यमंत्रियों सारे पहुंच जाओ, नेताओं सारे पहुंचो, अरुण जेटली जी के मामले में लोकल लोग गए थे, गुजरात के लोग तो पिछली बार भी जो है राहुल गांधी जब जब दंडित किए गए तो गुजरात के कांग्रेस के नेताओं के साथ गए ही थे। लेकिन इस बार आपने दबाव इसलिए बनाया, मुख्यमंत्रियों को इसलिए निमंत्रण दिया ताकि अदालत पर दबाव बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना करते रशीद किदवई जी, तो कृपा करके तथ्यों को सही सम्यक रखने की आवश्यकता है, वरना लोगों को लगता है कि रशीद किदवई का कांग्रेस परिवार पर पुस्तक लिखते लिखते उनके प्रति प्रेम भी थोड़ा जाग गया है। आलोक जी जवाब देंगे आपके सवालों का। आलोक जी, उन्होंने सवाल तो वाजिब खड़े किए हैं, अगर सदस्यता जाए तो काले कपड़े पहनकर तमाम नेता पहुंच जाते हैं संसद भवन, अगर पूछताछ हो, ईडी की कार्रवाई हो तो तमाम नेता सड़क पर उतरकर दिल्ली में हम देखते हैं कैसे दंगल किया जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और अब सूरत में तीन तीन मुख्यमंत्री अपने राज्य का सब कुछ कामधाम छोड़कर, तो प्रथम परिवार को बचाने की ही तो पूरी लड़ाई है ना आलोक शर्मा जी, जो आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री से ही ले लेते हैं, एमएलए खरीदे गए महाराष्ट्र के अंदर, महीनों से ज्यादा वहां पर ना मुख्यमंत्री रहे ना कोई और रहा, और 50 खोके और सब कुछ ओके के नारे लगते रहे, तब किसी टीवी चैनल ने एक शो नहीं किया कि महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं है। खैर, आपका विशेषाधिकार है, आप कर सकते हैं, एक दिन जाना मुख्यमंत्री का, सब कुछ काम धाम छूट गया लगता है आप लोगों को। खैर, वापस आते हैं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि तमाम जितने भी ये आज तक के ईडी और सीबीआई के केस हैं, ये सारे के सारे विपक्ष पर क्यों? काले कपड़े की बात करते हैं आप, तमाम बीजेपी के लीडर्स ने काले कपड़े पहन पहन के और प्रदर्शन किए हैं, तो क्या वो काला जादू कर रहे थे? हमने तो कभी नहीं कहा कि काला जादू कर रहे हैं। इन्होंने 2G पर 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी, पूरे देश का हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसके बाद सबको बरी कर दिया। क्या देश से माफी मांगेंगे मोदी जी? किसी मोदी को हमने कोई गाली नहीं दी, किसी ओबीसी को कोई गाली नहीं दी हमने, हमने केवल नाम लेकर कहा कि चोर भाग गए, इन चोरों को पकड़िए, लेकिन आप पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेहुल भाई हैं, वो चौकसी भाई हैं, तमाम भाई हैं। ठीक है आलोक जी, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आप ही की बातों पर याद आ गया, जल्दी से उसको सवाल पूछते हुए, हमारे ही इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि जब देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो कुछ लोग काला टीका लगाने की कोशिश कर रहे हैं काले कपड़े पहन पहनकर, और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई शुभ काम होता है तो उसको किसी की नजर ना लग जाए, इस वजह से लोग काला टीका लगाकर या फिर इस तरह से काले कपड़े पहनकर सामने आ जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है मुझे लगता है काला टीका तो किसी भी मीडिया के प्रोग्राम में जब लगता है, जब ये पूछा जाता है कि आम काट कर खाते हैं आप या चूस कर खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते, आप टॉनिक पीते हैं कि नहीं पीते हैं, काला टीका जब लगता है किसी मीडिया के प्रोग्राम में, जब पूछा जाता है कि साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दीजिए, काला टीका जब लगता है, जब पूछा जाता है कि हेमंत बिश्व शर्मा आप भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, और अमित शाह जी कहते हैं चल यहां से, क्या सवाल पूछ रहा है, चल यहां से, और काला टीका उस दिन लगता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ANI के रिपोर्टर को एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, काला टीका तब लगता है। काला टीका लगाने से कुछ नहीं होता, एक मां भी अपने बच्चे को काला टीका लगाकर उसको नजर से बचाती, ये काले पीले के चक्कर में छोड़ दीजिए, आज मैं पीला पहने बैठा हूं और काला कौन पहने बैठा है, मेरे पड़ोस में बैठे हैं पंडित जी, मुझे लगता है काले पीले का चक्कर छोड़िए, ये बताइए अडानी का काले क्या होगा? कपड़े का चक्कर, ये बताइए कराईकल का एयर, उसको जो बंदरगाह दिया गया है, ठीक है, आप बार बार घूम फिर कर बंदरगाह पर लेकर जा रहे हैं, आपने बिल्कुल शुरुआती कमेंट में कोटक महिंद्रा का जिक्र कर दिया सर, मैं कह रहा हूँ आज मिला है, ये था कोटक महिंद्रा कह रहा है फ्रॉड हो गया, ठीक है, बात भी दे दिया गया। ओके प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से आप इस पर टिप्पणी कीजिए, उसके बाद ऋषि जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। नहीं, उनकी सारी बातें अनर्गल प्रलाप के अतिरिक्त है क्या? मैं उनसे बार बार जो पूछ रहा हूँ तो उसको उत्तर दे ही नहीं रहे वो भाई। राहुल गांधी आज कोर्ट में बेल मांगने गए थे, नहीं, आप मुझे बेल क्या अडानी मामले में मांगने गए थे क्या? किसने अडानी के विरुद्ध प्रदर्शन था क्या? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट में अडानी के बारे में कोई निर्णय आना था क्या? निर्णय किसके बारे में आना था? अपराधी राहुल गांधी की आपराधिक गतिविधियों पर जो दंड सुनाया गया है
उस दंड में उनको इस तरह की गतिविधियों में क्यों शामिल है? अब क्या हो गया इनको? इतनी बौखलाहट का कारण क्या है आलोक जी? इतना आपका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है? आपके राहुल गांधी के दोषी होने के कारण आप जो है दूसरों पर थोड़े अपना जो है रक्तचाप का जो है क्रोध उतारेंगे। आपका रक्तचाप बढ़ रहा है राहुल गांधी के जो आपराधिक कृत्य हैं, उन आपराधिक कृत्यों पर जो दंडाधिकारी ने अपने अधिकार का सदुपयोग करते हुए दंड सुनाया है। आप कहेंगे कि कल रोमेश शर्मा अपराधी थे, केशव शर्मा अपराधी थे, तो सारे अपराधियों के उपनाम शर्मा ही क्यों होते हैं? ऐसा कोई पूछेगा तो आलोक शर्मा भी आहत होंगे और आलोक शर्मा को भी मुकदमा करने का अधिकार होगा और आलोक शर्मा का यह मुकदमा करने का अधिकार पूरे देश में कहीं भी होगा, क्योंकि आपको जो है मैं रोमेश शर्मा और तंदूर कांड के केशव शर्मा से आलोक शर्मा को नहीं जोड़ सकता मैं। ये नियम नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो आपके श्रीमान राहुल गांधी जिन्होंने पिछड़ी जातियों को गलिया गरियाने का अपराध किया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मिसकॉल करके झूठ बोला था, नाक रगड़ के माफी मांगी, यहां भी माफी मांग लेते बात खत्म हो जाती, लेकिन माफी मांगते नहीं है। अहंकार उनका बहुत चौड़ा है। आवाज की 3 तारीख तो बीत गई है, लेकिन 13 तारीख को राहुल गांधी को क्या जिस तरह की राहत की उम्मीद वो कोर्ट से चाह रहे हैं वो मिलेगी? जल्दी से एक लाइन में आलोक जी, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से एक लाइन में सर। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी को किसने अधिकार दिया कि वो कांग्रेस की विधवा कहें, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें, जर्सी काउ और जर्सी बछड़ा और क्या क्या मोदी जी कहते हैं, रेनकोट पहनकर नहाना और क्या क्या नहीं शब्दावली का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूं अगर भाषा की मर्यादा किसी ने गिराई है आज की तारीख में तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने गिराई। ठीक है, आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या राहुल गांधी का 3 मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत की अदालत जाना सियासी ड्रामा था? आपके जो जवाब मिले हैं, 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 32% लोगों का जवाब नहीं में है। अब आगे क्या होगा राहुल गांधी का? कोर्ट का दरवाजा खटखटाने फिर से 13 तारीख को वो सूरत पहुंचेंगे, ऐसे में क्या मिलेगी उनकी राहत, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।